सबक तो सिखाना पड़ेगा भाई हमारे पड़ोसी मुल्क के क्रिकेटर है अब्दुल रजाक, उसको मतलब इस तरह की घटिया स्टेटमेंट जो है वो ऐश्वर्या राय के लिए उसने निकाली है अपने गंदी जुबान से, उसको सबक तो सिखाना पड़ेगा। देखो भाई यहाँ पे हमारे पड़ोस के मुल्क के जो क्रिकेटर्स हैं ना, वो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, वो सुबह उठते हैं तो भारत का नाम लेते हैं, रात को सोते हैं तो भारत का नाम लेते हैं। मतलब वो लोग अपने कंट्री के बारे में इतना बात नहीं करते जितना भारत और भारत के लोगों के बारे में बात करते हैं। और ऐसी स्टेटमेंट जो है एक यहाँ पे आप कह सकते हो फॉर्मर क्रिकेटर, उसको तो मैंने क्या बताऊं, मतलब भाई वैसे वैसे क्रिकेटर तो हमारे गली मोहल्ले में घूमते हैं, सच्ची कह रहा हूं, अब्दुल रजाक की बात कर रहा हूं, ऐसे ऐसे क्रिकेटर हमारे गली के लौंडे हैं भाई, उससे अच्छा खेलते हैं। तो इसने एक स्टेटमेंट दिया ऐश्वर्या राय के बारे में, बहुत बुरी स्टेटमेंट है, अगर आप सुनोगे तो आपको गुस्सा आएगा और आपका मन करेगा कि ये अगर बंदा सामने मिल जाए तो भाई चप्पल से मारूं, मतलब इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो दी गई है। इसने ऐश्वर्या राय के लिए कहा कि मान लो अगर मैं ऐश्वर्या राय से शादी करता हूँ और उनके बच्चे हो, तो आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बच्चे अच्छे होंगे। मतलब ये किस तरह की स्टेटमेंट है, किस तरह की कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, और ऐसे लोगों को ना भाई ये मीडिया वाले क्यों इतना इंपॉर्टेंस देते हैं पाकिस्तान के अंदर, समझ नहीं आता। मतलब इस हिसाब से तो अगर आप देखो तो ऐसे लोगों को भाई यहाँ पे मैं क्या कहूँ यार, फेसबुक के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, नहीं तो मैं ऐसा गंदी गंदी जुबान का इस्तेमाल करता ना इन सब जैसे लोगों के लिए। बहुत वाहियात लोग हैं, बहुत वाहियात, नाले के पानी जैसे, और पानी के अंदर जो कीड़े होते हैं ना वैसे होते हैं भाई, वैसे हैं ये, मतलब सच्ची कह रहा हूँ, ये हमारे पड़ोस के ये जो क्रिकेटर है, इतनी गंदी जुबान, आप एक क्रिकेटर हो, आप ये तो थाउजेंड्स ऑफ या मिलियंस ऑफ लोगों के सामने एक स्पीच दे रहे हो, उसमें आपको क्या बोलना है नहीं बोलना है, इतनी सेंसेस नहीं है क्या? इससे पहले भी इसने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें सचिन तेंदुलकर के बारे में और बाकी जो हमारे फॉर्मर प्लेयर है उनके बारे में कह रहा था कि इंडियन टीम को हम लोग डरा के भगाते थे, लेकिन असलियत उससे कुछ और ही थी। ठीक है, तो ये लोग क्या है कि अभी इंडिया को मैचेस में नहीं हरा पा रहे, इंडिया के लेवल पे नहीं आ रहे, तो इतनी गंदी जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसे क्रिकेटरों को तो मैं तो कहता हूँ भाई, इंडियन जो फॉलोअर है ना, मैं मेरे को ना बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उन सब इंडियन फॉलोअर पे जो ऐसे लोगों को मतलब फॉलो करते और देखते हैं, ऐसे लोगों को भाई, ऐसे लोगों को मतलब इतने गंदे लोगों को देखते हैं और फॉलो भी करते हैं, और इंडिया के बहुत सारे सपोर्टर्स जो है भाई इनके जो कंटेंट क्रिएटर उनको भी फॉलो करके रखते हैं, और बाद में फिर ये हमारे अगेंस्ट ऐसे कॉन्ट्रोवर्सियल स्टेटमेंट दे देते हैं, है कि नहीं? तो गलती भाई उनमें तो है ही, लेकिन हमारे अपने भी अच्छे नहीं है इनको भाई, मतलब क्या कहूं मैं, बहुत ज्यादा बुरा लगता है ऐसे लोगों के लिए। तो ऐसे रिमार्क के लिए अब यहाँ पे जो न्यूज मीडिया है वो जानबूझ के ऐसा बुलवाई होगी या फिर ऐसा कुछ होगा, इसने खुद बोला होगा, लेकिन ये बहुत कॉन्ट्रोवर्सियल स्टेटमेंट जो है अब्दुल रजाक की तरफ से दी गई है। पाकिस्तान के अंदर भी इसको लेके बहुत सारे लोग जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इसकी कोई इज्जत नहीं है, इसके बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो देते रहता है। अब देखो बेरोजगारी है ना पूरे, मैं तो कहता हूँ पूरे पड़ोस में बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी में क्या करेंगे, बेरोजगारी में ये इधर उधर भटक लेते हैं, दो चार रोटी के लिए, दो चार रोटी मिल जाए कहीं पे, कोई न्यूज मीडिया में जाके दो चार रोटी मिल जाए, वहां भटकते मिल जाते, कोई न्यूज मीडिया में मतलब मिल जाता है एक, मतलब आप कह सकते हो एक दो रोटी का इंतजाम हो जाता है, वहां पे बैठ के ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं, न्यूज का जो मीडिया है उसका टीआरपी मिल जाता है, उसके लिए इसको एक रोटी मिल जाती है। तो ऐसे लोगों से इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो आप सुनोगे ही, एक दो रोटी खाने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट ये लोग देते हैं ताकि पब्लिक अटेंशन मिले, पब्लिक लोग इसको देखे। वैसे भी इनकी इज्जत अगर मैं कहूँ तो भाई पाकिस्तान में उतनी ही है जितनी आप एक रास्ते के कुत्ते को देते हो, मतलब बहुत सारे लोग तो इज्जत नहीं देते ना, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, दो चार लोग मिल के प्यार करने लगता है, वही चीज़ है। तो अभी यहाँ पे वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो अनएक्सेप्टेबल है, और मैं मांग करता हूँ भाई यहाँ पे पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि ऐसे लोगों को भाई जेल में बंद करो, मतलब ये ऐसे लोगों को बाहर खुला छोड़ोगे तो भाई खुला सांड है, कल को आपके अंदर ही सिंह घुसा दिया, तो भाई वो चीज़ है। बाकी देखो एक दो रोटी के लिए लोग ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, और मैं अपने इंडियन लोगों से कहना चाहता हूँ कि इन जैसे लोगों को फॉलो ना करो और इन जैसे लोगों को देखो मत, मतलब ये लोग तभी ऐसा कहते हैं जब इनको पता होता है कि इंडिया की तरफ से या फिर बाहर की तरफ से जो फॉलोअर्स हैं इनको देख रहे हैं, जो फॉलोअर्स हैं इनको फॉलो कर रहे हैं, तभी ये लोग इस तरह की जो स्टेटमेंट है देते हैं ताकि बुरा लगे, है कि नहीं? और मैं यहाँ पे फेसबुक को लेके या फिर यूट्यूब को लेके नहीं, ट्विटर पे भी मैं बात कर रहा हूँ, और यूट्यूब पे भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे इंडियन फॉलोअर जो है वो पाकिस्तान बेस्ड हमारे पड़ोस बेस्ड जो यूट्यूबर है उनको फॉलो करते हैं, और अगर आप उसके अगेंस्ट कुछ बोल दो तो उल्टे आपके ऊपर चढ़ जाते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ मैनिपुलेशन की बात, डार्क साइकोलॉजी की बात, कि भाई ये मतलब ये हमारे भारत के यंगस्टर या फिर जो लोग भी देखते हैं पाकिस्तान के लोगों को, भाई उन्होंने मैनिपुलेशन कर दिया डार्क साइकोलॉजी के तौर पे, मतलब अब वो आपके अगेंस्ट ही भरकार है, अपने इंडियन के अगेंस्ट ही भरकार है। तो इन सब चीज़ों से बचो, मैं तो यही कहूँगा, अपने इंडियन कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करो जो इंडिया से, उनको फॉलो करो, ठीक है? ये जो कहते हैं ना वहाँ से बहुत सारी बातें आपको मिलेगी कि प्यार बांटो, नफरतें क्यों फैला रहे हो, ये सिर्फ तभी तक सीमित है जब तक आप जीत रहे हो। एक बार उनकी जीत होने दो, फिर ये नफरतें किस तरह से दिखेगी ना
आपको पता भी नहीं चलेगा, है कि नहीं, पता भी नहीं चलेगा। ये सिर्फ बातें हैं कि भाई प्यार दिखाओ, मोहब्बत बांटो, एक्चुअली में रियल प्यार है ही नहीं भाई इन दोनों देशों के बीच में। और इसका हिस्ट्री जो है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है क्यों नहीं है और क्यों नहीं आगे हो सकते। ठीक है, इस वीडियो को शेयर कर दो जितने भी भारतीय हैं, और ऐसे लोगों के मुंह पे भाई यहाँ पे तमाचे मारो। मतलब मैं और इससे खुल के मैं बोल नहीं सकता, यूट्यूब के रेस्ट्रिक्शन की वजह से नहीं और फेसबुक के रेस्ट्रिक्शन की वजह से नहीं, तो भाई मैं जो गंदी गंदी बातें मैं क्या बोलूँ।